ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समान के। तीसरी डाल अपनी चल रही है, उसमें अपन ने जीव तत्व की चर्चा प्रारंभ की है। जीव कितने प्रकार का होता है उसकी चर्चा अपन ने की थी। कितने प्रकार का होता है जीव? दो, तीन। कौन कौन से तीन प्रकार का? एक मिनट हाथ खड़ा करके बताओ, बताओ मुझे। बहिरात्मा किसे कहते हैं? हैं? हाथ खड़ा करना देंगे। जो शरीर आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा। अंतरात्मा बताओ क्या है, उनकी बताओ। अंतरात्मा किसे कहते हैं? हाँ, जो शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न जानता है। बहिरात्म अंतर बहिरात्म जीव होता है। देह और भिन्न को अलग अलग मानने वाला अंतरात्मा। मैंने इसकी अपन ने एक बात और कही थी, आत्मा में अपनापन करने वाला अंतरात्मा और पर पदार्थों में अपनापन करने वाला बहिरात्मा। अंतरात्मा कितने प्रकार के होते हैं? उत्तम, अपन ने जो गुणस्थान बताए थे वो क्या है? उस अनुसार बताना, जगन अंतरात्मा कौन से गुणस्थान बढ़ती है? चतुर्थ। उत्तम अंतरात्मा, उत्तम बारवा, मध्यम पांच से ग्यारह। ठीक है, जगन कहे अविरत सम दृष्टि तीनों श्रीमुख चारी। यहां तक बात होती है, अब अपन आगे चलते हैं। सकल निकल परमात्म द्विविध तिनमें घाति निवारी श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। सकल निकल परमात्म द्विविध, द्विविध माने दो प्रकार के हैं। परमात्मा कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। सकल निकल, सकल निकल परमात्म द्विविध माने सकल और निकल प्रकार के, दो प्रकार के परमात्मा। एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। सकल निकल परमात्म द्विविध, परमात्म द्विविध माने परमात्म दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? सकल और निकल। ठीक है, अब उनमें श्री अरहंत सकल परमात्मा तिन में घाति निवारी श्री अरहंत, तिन में अब उनमें घाति निवारी। घाति निवारी का मतलब क्या? जिन्होंने घातिया कर्म का निवारण कर दिया, मतलब नाश कर दिया। ऐसे श्री अरहंत भगवान सकल परमात्मा, और कैसे में लोका लोक निहारी, अर्थात लोक और अलोक को निहारते हैं, मतलब देखते हैं जानते हैं। कहते हैं निहार रहे हैं यानी देख रहे हैं, तो लोक और अलोक को निहार रहे हैं। कौन? श्री अरहंत, श्री अरहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी। अरहंत भगवान जो कि सकल परमात्मा है, फिर लोक और अलोक को क्या करते हैं? निहारते हैं। समझ में आई बात? लोक और अलोक को देखते हैं का क्या मतलब है? लोका लोक को जानते देखते हैं, अर्थात वे सर्वज्ञ हैं और उन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश। ये बड़ी बड़ी भाषा है। श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी घाति कर्म निवारी, घाति कर्म निवारी और लोकालोक निहारी। व और ह का अंतर है,
है कि नहीं। सकल निकल परमात्म द्विविध, सकल और निकल दो प्रकार के परमात्म, तीन में द्विविध, तीन में घाती निवारी, उनमें जिन्होंने घातिया कर्म का नाश कर दिया है, ऐसे श्री अनंत परमात्म सकल परमात्मा जो कि लोक और अलोक को निहारते हैं अर्थात जानते और देखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कितने परमात्मा पंच परमेश्वर में से कितने परमात्मा सकल परमात्मा है? एक। कितने परमात्मा सकल परमात्मा? चार। कौन कौन से? ये परमात्मा है कि आचार्य उपाध्याय साधु सकल परमात्मा, उन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया, लोक और लोक को जानते देखते हैं, नहीं है ना? दोनों विशेषता नहीं, तो वे क्या है? आचार्य उपाध्याय साधु क्या है? हैं? अंतरात्मा है। कौन सी अंतरात्मा? मध्यम अंतरात्मा मुख्य रूप से, समझना है ना? पंच परमेश्वर में तीन अंतरात्मा है, एक सकल परमात्मा है और एक अभी पढ़ेंगे एक निकल परमात्मा, समझना है ना? माने दो परमात्मा है, एक और तीन अंतरात्मा। वे कौन से घातिया कर्म है जिनका उन्होंने निवारण किया है, नाश किया है? श्री उन्होंने कहा ना, श्री अरहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी, उसके पहले क्या है? तिन में घात निवारी, घातिया कर्म का निवारण किया, तो वे घातिया कर्म है कौन से बताओ? कौन बताएगा घातिया कर्म कौन कौन से? हाथ खड़े करना बस, क्यों ये बोलना नहीं एक साथ, ये बहुत खतरनाक काम। सकल निकल परमात्म द्विविद तिन में घात निवारी, उसमें जो है जिन्होंने घातिया कर्म का निवारण किया, निवारण किया अर्थात नाश किया, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश किया, ऐसे श्री अरहंत भगवान सकल परमात्मा है और वे कैसे लोकालोक को जानते देखते हैं। तो प्रश्न क्या है अपना कि अनंत भगवान ने कौन से घातिया कर्मों का नाश किया, घातिया कर्मों के नाम बताने, घातिया कर्मों के नाम बताए थे तुमने? नहीं याद हुआ अभी, चलो कोई बात नहीं। और कौन बचा है जिसको याद नहीं हुए? पीछे अंकित, घातिया कर्मों के नाम याद नहीं हुए अभी? चलो कोई बात नहीं, पीछे आपको भी याद नहीं हुई घाती कर्म के नाम? अपन ने कर्म का पाठ पढ़ाया था तब आप लोग नहीं आए थे ना एक्चुअल में, इसलिए ये चक्कर हो गया। चलो पीछे बालकनी वालों को तो सबको आता है ये चीज नहीं आए तो उनके यहाँ बैठने के अधिकार नहीं आ सकते। आता विधि बताओ, चार घाती कर्म, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी, सरल प्रश्न है। इन चार घातिया कर्मों का नाश किया किन्होंने? अरहंत भगवान, ज्ञानारणी दर्शनारणी मोहनी और अंतरा, श्री अरहंत सकल परमात्म। सकल का अर्थ क्या था? सकल कल, कल का अर्थ क्या? कल यार बोलना नहीं, देखो चलो हाथ खड़ा करना बताओ, ऋषभ बताओ मतलब कैसे हो गया शरीर सही? कल का अर्थ क्या है? कल का क्या अर्थ? कल शरीर, और स का अर्थ सहित, सकल माने शरीर सहित। परमात्मा, परमात्मा का क्या अर्थ होता? अब बताओ हाथ खड़ा करके सबके लिए है। परमात्मा, परमात्मा किसे कहते हैं? मैंने बताया नहीं अभी, बिना बताए पूछ रहा हूं, परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा, तो परमात्मा
परम किसे कहते हैं? परम माने उत्कृष्ट, सर्वोत्तम परमात्मा, सर्वोत्कृष्ट आत्मा वो क्या कहलाती है? परमात्मा। सर्वोच्च, परम माने सर्वोच्च, सर्वोच्च आत्मा का नाम है परमात्मा। और सकल माने शरीर सहित परमात्मा, और निकल माने निकल निकल गया है कल जिनके, माने निकल गया है शरीर जिनके, शरीर रहित ये क्या कहलाते हैं? निकल परमात्मा। ठीक है, अनंत भगवान के चार घातिया कर्मों का नाश हुआ ना, तो कौन से चार गुण प्रकट हुए? हाथ खड़े करना कोई बोलना नहीं। अनंत भगवान के चार घाती कर्मों के नाश से कौन से चार गुण प्रकट हुए? ये आप लोग नहीं थे उस समय क्लास में जिन लोगों का, अंकित अनंत भगवान के चार गुण कौन से प्रकट हुए चार घाती कर्मों के नाश से? नहीं मालूम, चलो और भी बताओ। हाँ फिर ये सब चक्कर चढ़ पड़ रही है, मतलब पीछे का गोल आगे का पाठ पीछे से पाठ हो रहा है। तो ये अपन पढ़े रहे सब चीजें पंच परमेष्ठी के पाठ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये अनंत चतुष्टय अनंत भगवान के प्रकट हुए। किन कर्मों के नाश से? चार घातिया कर्म। अब बताओ कौन से कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट हुआ? किस किस को इधर किस किस को बोलना बताओ जितेंद्र जी, चलो कौन से कर्म के अभाव से हुआ? अरे ऐसा नहीं करो, रोना बताओ, चलो कौन से कर्म के अभाव से कौन सा गुण प्रकट हुआ अनंत भगवान में? हाँ हाँ कर्म और कौन से बचे? हाँ मोनी, और मोनी के अभाव से अनंत सुख, अंतराय, अंतराय के अभाव से अनंत भी, दुख का कारण कौन सा कर्म है चारों कर्मों में से? मोहनी कर्म। ज्ञानावरणी दुख का कारण है, दर्शनावरणी अंतराय, मोहनी के साथ सब दुख के कारण है, और मोहनी नहीं हो तो कोई भी दुख का कारण, असल में दुख का कारण वास्तव में मोहनी कर्म। इसलिए मोहनी के अभाव से क्या प्रकट होता है? अनंत सुख। ज्ञानावरणी के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी के अभाव से अनंत दर्शन। अब ये अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का क्या काम है पता? अनंत ज्ञान के द्वारा भगवान क्या करते हैं और अनंत दर्शन द्वारा क्या करते हैं, क्या काम है उसका? अनंत ज्ञान का कार्य बताइए, अनंत दर्शन का कार्य बताइए। मैंने कहा हाथ खड़ा करो, दे दो बोलना नहीं, इससे क्या होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। लोका लोक निहारी मैंने लोका लोक को देखते हैं ये अनंत दर्शन का कार्य है, और लोका लोक को जानते हैं ये अनंत ज्ञान का काम। मैंने वो समस्त द्रव्यों को उनके समस्त गुण और पर्याय सहित मैंने पूरे विश्व को जानते हैं ये कौन से गुण का काम है? जानना, अनंत ज्ञान। तो पूरे विश्व को देखते हैं ये किसका काम है? अनंत दर्शन। मोनी के अभाव से क्या प्रकट हुआ? अनंत सुख। अनंत सुख को भोगते हैं, क्यों सुख को भोगते हैं? अनंत सुख को क्यों भोगते हैं भगवान? अनंत सुख कैसी है, कैसे है भगवान? अनंत सुखी क्यों है, हैं? अभी इसका मतलब क्योंकि उनके मोनी नहीं है इसलिए अनंत सुखी। मोनी कर्म अनंत दुखी कैसे करता है? मोनी कर्म दुख का कारण कैसे है ये बताना, बताओ लोग। हाँ तो श्रद्धा की विपरीतता से दुख कैसे होता है? श्रद्धा की विपरीतता दुख रूप कैसे? हाँ बताओ, तो उल्टी मान्यता से दुख कैसे होगी? मान लो उल्टा,
शरीर को आत्मा मान लो, उससे क्या दुख है? दुख है उससे, मान लो अपनी मर्जी से मानना मान। हाँ बताओ, तो उससे दुख क्यों से होगा? दुख क्यों होगा उससे? भाई बात तो सही कह रहे हो आप, थोड़ा उसके शब्दों में उतार के बताओ, वस्तु के स्वरूप को विपरीत मानने से दुख क्यों होगा? उससे दुख कैसे होता है? यदि अजीव और जीव तत्व संबंधी भूल होगी तो दुख क्या है? सात तत्व के बारे में विपरीत श्रद्धा से दुख कैसे होता है बता। हाँ हाँ, एक उदाहरण दिया, किसके नाश से? शरीर के नाश। तन शरीर के नाश से स्वयं का नाश मानेगा, दुखी होगा, तो अपने नाश के लिए हमेशा चिंतित रहेगा कि नहीं रहेगा? निरंतर आकुलित रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरा नाश नहीं हो जाए, मेरा नाश नहीं हो जाए। जब नाश मतलब शरीर मरेगा तो एक दिन, और शरीर के मरने पे अपना नाश मानता है, तो शरीर के मरने की चिंता तो रोज ही सताती रहेगी ना, रोज ही दुखी है। शरीर में जिसने अपनापन किया है वो सारे शरीर के दुखों से दुखी होगा, होगा कि नहीं होगा? विपरीतता मान ली ना। देखो एक उदाहरण बताऊँ आपको, एक आदमी ने खंबा पकड़ लिया और उसको ये भ्रम हो गया कि खंबे ने मेरे को पकड़ लिया, पकड़ लिया, सब तो चिल्ला रहे खंबे ने पकड़ लिया, खंबे ने पकड़ लिया, बचाओ बचाओ, लोग आके देख रहे हैं उसको और हंस रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो सुखी है कि दुखी है? उसके दुख का कारण क्या है? विपरीत मान्यता, पकड़ा है खुद ने खंबे को और मान के रखा है खंबे ने पकड़, ऐसे जीव ये मानता है कि संसार में मेरे को पर वस्तुओं ने जकड़ रखा है, कर्मों ने जकड़ रखा है, जबकि खुद ने पर वस्तुओं को पकड़ रखा है। किसने किसको पकड़ा? लोग कहते ना, अरे साहब यदि हमारे घर में परिवार वाले नहीं होते तो हम कब से मुनि बन जाते। घर वालों को क्यों दोष देते हो? तुमने घर वालों को पकड़ रखा है कि घर वालों ने तुमको पकड़ रखा है? किसने किसको पकड़ रखा? तुमने पकड़ रखा, किसी ने किसी को नहीं पकड़ा, हमने सबको पकड़ा, मतलब पर ने हमें नहीं पकड़ा, हमने पर को पकड़ रखा। पकड़ रखा मतलब हमारे हमारे श्रद्धान में, हमारे चारित्र में पर वस्तु के प्रति ममत्व और राग पड़ा हुआ। दुख का कारण पर वस्तु के प्रति ममत्व और राग है। देखो कोई भी वस्तु को यदि विपरीत जानेगा, उसके स्वरूप से नहीं जानेगा, तो विपरीत मानेगा जानेगा और वैसा है नहीं तो निरंतर भयाक्रांत रहेगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो दुखी होगा। हम वस्तु को नित्य माने, जब वस्तु की अनित्यता देखेंगे तो क्या होगा? दुख होगा। शरीर आदि संयोगों को नित्य मानेंगे और है अनित्य, नित्य मान रखा है, जब नाश होगा तो क्या होगा? दुख होगा, क्योंकि हमने उसको नित्य मान रखा था। है वो कैसे? अनित्य। और नित्यता का जब मतलब है वो अनित्य और नियम से उनका नाश होगा, वियोग होने पर क्या होगा? दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। इसे थोड़ा अपने मन से सोचो, यहाँ जो लिखा है वो तो ठीक है ही, लेकिन इसके अलावा अपने को थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा। अंतराय कर्म के अभाव से क्या प्रकट हुआ? अनंत वीर। कैसे प्रकट हुआ अंतराय कर्म के अभाव से अनंत वीर, ये बता। अंतराय का क्या काम? अंतराय कर्म का क्या काम है? क्या परिभाषा है अंतराय कर्म की, बताओ दीपक? किसमें विघ्न उत्पन्न करे, बाधा किसमें करे? इसमें किसी में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं, किसमें विघ्न उत्पन्न करें? हाँ बताओ ना बाबू जी, बताओ। दान में और पांच में इसके भेद, हाँ बताओ। चलो है बताओ,
एक और भूल गया, चलो रोहित पूरा कर दो, एक और कौन सा बचा है? अब देखो बालकनी वाले सब बताएंगे ना, पक्के गारंटी से ये क्वेश्चन इनका आता है, कौन बताएगा बताओ? धान एक छोड़ दिया फिर भी आपने है? ज्ञान कहाँ से आ गया? चलो कोई और बताओ, ज्ञान नहीं है, ज्ञान है ही नहीं उसमें, ज्ञान को जबरदस्ती छोड़ दिया मैंने। हाँ छे छे लगा ले, दान लाभ भोग भोग वीर, इन पांच में जो विघ्न उत्पन्न करे उसका नाम क्या है? अंतराय कर्म। मैंने जो दान ना देने दे, लाभ नहीं होने दे, भोग नहीं करने दे, बारंबार भोग नहीं करने दे, अपनी शक्ति को प्रकट न करने दे, उसका नाम है अंतराय कर्म। मैंने वो पांच कार्यों में विघ्न उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। मेहनत करे लाभांतराय का उदय हो, लाभ नहीं हो, खाने की वस्तु पड़ी है भोगांतराय का उदय हो, भोग नहीं पाए, क्या समझ में बात? ऐसे ही मकान है स्वयं का, किराएदार को दे रखा है, खुद अपने मकान का उपभोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, देखने का है बस, ये मेरा है, तुम खुद रहते क्यों नहीं हो? दे नहीं सकते, तो पैसा खूब आता होगा, पैसा तो कुछ नहीं, तो तुम्हारा कैसे? बस है मेरे नाम पे। ना भोग कर सकता है ना उपभोग कर सकता है, क्या जमीन का गड़ा हुआ सोना क्या काम का? कुछ नहीं। स्विस बैंक में पड़ा हुआ पैसा ना भोग का ना उपभोग का, बस दिमाग का मेरा वहां पड़ा है। तो जो भोग में अंतराय डाले, उपभोग में अंतराय डाले, दान देने में अंतराय डाले, दान देना चाहे तो मना कर दे आके, मत दो मत दो, तो दानांतराय वो नहीं। और वीर्यांतराय अपनी शक्ति प्रकट न होने, शक्ति माने अपना जैसे ज्ञान की शक्ति, दर्शन की, आत्मा की जो शक्ति अनंत शक्ति, आत्मा की शक्ति को प्रकट न होने देने में जो कर्म निमित्त है उसका नाम क्या है? वीर्यांतराय। तो भगवान के ये पांचों की पांचों बाधाएं नहीं, हम दान अनंत दान है, अनंत लाभ है, अनंत भोग है, अनंत भोग है, अनंत वीर है। अब ये घटाओ भगवान पे पांचों चीजें कैसे हो, किसका दान दे रहे हो रुपये पैसे का? ले जो भी समोषण में आए काय का दान देने, धर्मोपदेश का दान देने ना, इस अपेक्षा से दान लाभ है, काय का लाभ है उनको? शुभ लाभ, भगवान को काय का लाभ? अपनी शुद्ध पर्याय का लाभ, प्रति समय शुद्धता का लाभ, भोग कर रहे हैं काय का भोग कर रहे हैं वो? अपने अनंत ज्ञान दर्शन का भोग कर, अनंत गुणों का, अपनी आत्मा की शुद्धता का भोग कर, भोग बारंबार भोग कर रहे हैं। वीर अपने ज्ञान और दर्शन की शक्ति को धारण करने की उनमें सामर्थ्य, अनंत ज्ञान को टिकाए रखने की, अनंत दर्शन को टिकाए रखने की, अनंत ज्ञान और दर्शन को धारण करने की उनमें क्या है? सामर्थ्य, पावर है इतना। अभी अपन थोड़ा सा याद कर लेना तो अपना दिमाग होता, भगवान अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को अपने में धारण किए रखते हैं, ऐसा अनंत वीर उनकी आत्मा है, अनंत बल उनकी आत्मा है, इसलिए अनंत वीर के धन। तो ये पांच प्रकार की लब्धियां हैं उनके, छाई दान, छाई लाभ, छाई भोग, छाई उपभोग, छाई वीर, पांच ये, और छाई ज्ञान, छाई दर्शन, छाई सुख और छाई चारित्र, ऐसे नौ लब्धि है भगवान। और अपन संक्षेप में बोलते हैं चार अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ठीक है? तो अनंत भगवान ने चार हत्या कर्मों का नाश करके चार अनंत चतुष्टय प्रकट किए, और वे शरीर सहित हैं, और वे लोक और अलोक को जानते और देखते हैं। लोक का मतलब क्या है?
सारे क्षेत्र के समूह रूप विश्व लोकाकाश, और अलोक माने लोकाकाश के बाहर जो केवल आकाश द्रव्य है जिसका नाम अलोकाकाश है उसको भी वो जानते देखते हैं। कहने का मतलब है सारे विश्व को, ऐसा उनके ज्ञान से कोई पदार्थ नहीं है जो उनके ज्ञान से छिपा, सारी दुनिया को वो जानते और देखते हैं। ऐसे सारे विश्व को जानने देखने वाले न केवल वर्तमान को जानते देखते हैं अपितु पूरे विश्व की भूतकाल की अवस्थाओं को भी जानते हैं, और पूरे विश्व की भविष्य में जो जो अवस्था होने वाली है उन सबको भी भगवान एक समय में जानते और देखते हैं। सारी बात समझ में, माने भगवान सबको उनकी तीनों काल की अवस्थाओं को जानते देखते, सारे द्रव्यों की तीनों काल की जो अवस्थाएं, भूत की अनंत अवस्थाएं, भविष्य में जो अनंत अवस्थाएं होने वाली है उनको, और जो वर्तमान में उनकी अवस्था हो रही है उनको, ऐसे तीनों काल की अवस्थाओं को, सभी माने सभी द्रव्यों की तीनों काल की अवस्थाओं को भगवान एक समय में जानते और देखते हैं। इसका नाम है लोकालोक निहारी। अब आगे चलते हैं, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महता ते निकल मल परमातम भोगे शर्म अनंता बैरातमता। ज्ञान शरीरी माने सिद्ध भगवान का शरीर है कि नहीं है, सिद्ध भगवान निकल परमात्मा का स्वरूप पढ़ रहे हैं अपन। निकल कल माने शरीर, और नी माने निकल गया है अथवा रहित है, शरीर से रहित जो परमात्मा है वे क्या है, शरीर से रहित परमात्मा क्या है, नी माने रहित, कल माने शरीर, शरीर रहित परमात्मा उन्हें क्या कहेंगे, निकल परमात्मा। कौन है निकल परमात्मा, सिद्ध भगवान। तो यहाँ कह रहे हैं शरीर है उनका, अपन पढ़ रहे हैं शरीर रहित निकल परमात्मा होते हैं, और यहाँ कह रहे हैं जो शरीर ही है वे निकल परमात्मा। कौन सा शरीर है, ज्ञान शरीर। तो शरीर है कि नहीं निकल परमात्मा का है, तो फिर निकल कैसे कहे जाएंगे, आकार तो है उनके साथ शरीर है क्या सिद्ध भगवान के, तो फिर यहां तो कहा है ज्ञान शरीर ही, यहां कह रहे ज्ञान शरीर ही। बराबर है, देखो निकल परमात्मा माने शरीर रहित परमात्मा, ठीक है, पर यहां क्या कहा है ज्ञान शरीर ही, तो दो बातें उल्टी हो गई ना, शरीर रहित परमात्मा को निकल कहते हैं पर यहाँ कह रहे निकल परमात्मा ज्ञान शरीर ही, दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं होती, नहीं नहीं आकार से अभी यहाँ आकार से चल में प्रयोजन नहीं, देखो बताएंगे कोई, बताओ रोहन बताओ, चल देखो शरीर जो है ना ये जो औदारिक विक्रिय कारक तेजस कारमान शरीर है इस शरीर से रहित है, ज्ञान रूपी शरीर है कहने का मतलब ये है कि जैसे शरीर पूरे सर्वांग में रहता है, जब अपन जीव शरीर जब जीव संसार अवस्था में रहता है तो उसका शरीर के साथ में ऐसा एक क्षेत्र वाला संबंध होता है कि पूरे शरीर के अंदर वो आत्मा व्याप्त रहता है, ऐसा कोई नहीं कि शरीर के कुछ हिस्से में रहता हो कुछ नहीं रहता है, सर्वांग में शरीर है। तो जैसे संसार अवस्था में सर्वांग में शरीर होता है ऐसे ही मुक्त अवस्था में सर्वांग में क्या है, ज्ञान, माने उनका शरीर क्या है, ज्ञान ही उनका शरीर, ज्ञान ही उनके शरीर का मतलब ही है कि ये वाला शरीर नहीं है, और ये वाले शरीर सहित को सकल कहा जाता है, ये शरीर तो अभाव हो गया ना इसलिए निकल ही कहेंगे सब ज्ञान तो है। अरे ज्ञान शरीर का मतलब है कि ये जो शरीर वाला जो शरीर जिसको दुनिया शरीर कहती है वो शरीर नहीं है,
वो चैतन्य रूपी शरीर है। चैतन्य रूपी शरीर कहना ये उपमा अलंकार है, ये कोई शरीर वरीर नहीं है। सुख ही उनका शरीर है, ज्ञान ही उनका शरीर है, दर्शन ही उनका शरीर है, वीर ही उनका शरीर है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि उनके सर्वांग में ज्ञान दर्शन सुख वीर भरा हुआ है। जैसे अपने सब जगह शरीर है चारों ओर, अपना अपन औदारिक अपना शरीर हो रहा है, तो ऐसे उनका कौन सा शरीर है कि उनका शरीर ज्ञान, ज्ञान शरीर है। मतलब उनके सर्वांग में ज्ञान ही ज्ञान व्याप्त, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं, ज्ञान ही उनका सर्वस्व है। इसलिए कहा ज्ञान शरीरी, माने सिद्ध भगवान का ये उपमा से कहे जाते हैं। अभी भी उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, देखो कौन सा शरीर है उनके, ज्ञान शरीर। अनंत भगवान के कौन सा शरीर है, उदाहरण परम उदारिक शरीर। तो उनके परम उदारिक माने पुद्गलमय शरीर है, और सिद्ध भगवान के ज्ञानमय शरीर और कुछ नहीं। अनंत भगवान की फिर भी अभी यद्यपि अनंत ज्ञान अंतरंग में है आत्मा में, लेकिन बाहर में फिर भी शरीर का संयोग है। और सिद्ध भगवान के तो बाहर भी शरीर का संयोग नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान रहा, इसलिए उनको कहा कि उनको ज्ञान शरीर है। यहाँ शरीर का मतलब औदारिक वैक्रियक शरीर नहीं लगाना, यहाँ शरीर का मतलब ज्ञान शरीर है। ज्ञान शरीर माने ज्ञान ही ज्ञान से भरे पड़े, ज्ञान के अलावा उनके अंदर और कोई शरीर नहीं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल, तीन प्रकार के कर्ममलों से वे रहित है। त्रिविध कर्ममल वर्जित, माने तीन प्रकार के कर्ममलों से रहित है। त्रिविध कर्ममल वर्जित, अगर तीन प्रकार के कर्म कौन से है बताओ, कौन बताएगा, हाथ खड़े करना। त्रिविध कर्ममल, तीन प्रकार के कर्ममल है जिनसे वर्जित माने रही थे। त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, सिद्ध है वो, महान है, और कैसे वे तीन प्रकार के कर्ममलों से रही थे। वर्जित का मतलब होता है ना, वर्जित माने मना है, तो तीन प्रकार के कर्ममलों को मना कर दिया उन्होंने, माने तीन प्रकार के कर्ममल उनमें नहीं है, तीन प्रकार के कर्ममलों का उन्होंने अभाव कर दिया। कौन से वे तीन प्रकार के कर्ममल है बताओ, सब लोग हाथ खड़ा करो जिसको आता हो अच्छे से बताओ। चलो क्या नाम है, दिव्या है ना, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, तीन कर्म है। अभी तो अपन ने चार कर्म पढ़े थे, अभी एक घटा दिया, तीन नए आ गए आप, ये क्या चक्कर है, चार है कि तीन है बताओ, क्या है ये चक्कर, कौन बताएगा इस चक्कर को। कर्म चार है कि तीन है, कि एक है कि दो है, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या, कभी कहते हैं कर्म एक है, कभी दो है घाती अघाती, कभी चार कह देते हैं, अभी तीन कह रहे हैं, अब क्या क्या आप करें, क्या माने, कौन सी बात माने आपकी, कभी क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो। अभी हाल पढ़ाया आपने चार घातिया कर्म होते हैं, और अभी कह रहे हैं त्रिविध कर्ममल, सब कुछ घूम घूम आते हैं। बताओ ये, हाँ दो ही हुए, अरे तीसरा जबरदस्ती ठोक दिया उन्होंने, हाँ बराबर है। और वो भाव कर, तो ये तीसरा कहाँ से आ गया, नहीं ये दो तीसरा अलग है, इसके भेद नहीं, एक और है। बाकी मूल में तो जो आपने बात कही वो सही है, मूल मोटे मोटे तो ये दो ही है, एक और है, इसलिए उसका नाम है, क्या है तीसरे का नाम बताओ, चलो बताओ कौन बताया, दीपक बताओ। नौकर, किसे कहते हैं नौकर, शरीर को नौकर्म कहते हैं। देखो शरीर न तो ज्ञानावरणादि कर्म है, न मोह राग द्वेष भाव है, लेकिन शरीर भी किंचित कर्म है, इसलिए शरीर का नाम दिया नौकर्म। नौ माने नौ, नौ शरीर है अपने साथ, एक हाथ, एक ये दो हाथ, दो पाँव, एक मुंह, ऐसे नौ है ना अपने शरीर में, इसलिए इसका नाम क्या है नौ कलम, सही है, नौ अंग, इसलिए नौ कलम है। नौ का क्या अर्थ है, क्यों अब बताओ, बालकनी वाले लोग, नौ का अर्थ क्या है, नौ कलम का क्या अर्थ है, ये तो क्लास है, देखो जो क्लास में बैठेगा उससे पूछा जा सकता है।
नो का अर्थ क्या है? नो माने नंबर, नो नंबर, तो फिर नो का क्या अर्थ है? चलो बताओ अभी अंकित। अच्छा अच्छा, ये नो कषाय से क्या काम है? अपन कलम की बात कर रहे हैं, तुम कषाय में चले गए और तुम भी नो ही संख्या बता रहे हो। वो नो कषाय है, मैं पूछ रहा हूँ नो का अर्थ क्या है? नो का मतलब नाइन, नाइन का मतलब क्या है? नो, देखो नो होता है ना नो, तो न में कितनी मात्रा होती है? नो में दो ओ होता है ना ओ, और यहाँ जो नो है वो एक ही ओ की मात्रा है, तो अंतर है कि नहीं है? या कर्म ही नहीं है वो, यहाँ कह रहे कर्म है वो, कर्म ही नहीं कह रहे जो नो, नो मतलब जो नहीं है, नहीं है जो कर्म, उसको जबरदस्ती जिसको कर्म कहा जाता है वो नो कर्म। तो उन्होंने थोड़ा बहुत सही कहा है, ऐसा नहीं कहा, भले ही अपन ने बात उड़ा दी लेकिन बात सही है उनकी थोड़ी बहुत। और नो का अर्थ ऐसे ही है, नो का अर्थ माने जो किंचित है, नहीं है पूरा नहीं है ऐसा भी नहीं है, किंचित है, उसका नाम है नोकल। क्या अर्थ है उसका? नौका किंचित। ये नो नो वाली संख्या नहीं भैया, नो का अर्थ है संख्या मत लगाना, नो का अर्थ है किंचित, माने जो किंचित कर्म है, किंचित माने वो वैसा नहीं है जैसा भाव कर्म है, वो द्रव्य कर्म है वैसा पावरफुल नहीं है, लेकिन किंचित है, क्योंकि उसके निमित्त से भी जीव कर्म है, जीव शुद्ध भोगता है। क्या यदि वो नहीं होता तो जीव किसके निमित्त से शुद्ध भोगता? कर्म किसके निमित्त से अपना फल देता है? शरीर के निमित्त से, शरीर माइनस कर लो, किसी कर्म की ताकत है कुछ फल देने की? कुछ नहीं है ताकत। क्या करी मतलब कर्म को फल देने के लिए शरीर को मीडिएटर बनाना पड़ता है। मोह किससे करेगा? शरीर ही नहीं होगा तो। राग किससे करेगा? द्वेष किससे करेगा? आकुलता किससे करेगा? किस कारण से करेगा? मैंने सारा मोह राग द्वेष करने के अंदर हेतु तो इसको शरीर का संयोग है ना। शरीर अपने आप में मोह राग द्वेष नहीं है, लेकिन शरीर के निमित्त से मोह राग द्वेष होता है, इसलिए शरीर को किंचित कर्म का। वास्तविक कर्म तो वो मोह राग द्वेष भाव है, वो है, और वो मोह राग द्वेष भाव जिन द्रव्य कर्म के उदय से होते हैं, मोह राग द्वेष भाव जिस मोहनी कर्म के उदय से होता है उसको कहते हैं द्रव्य कर्म। जो मोह राग द्वेष भाव हुए वो भाव कर्म, और जिसका लक्ष्य करके मोह राग द्वेष भाव होते हैं उसे क्या कहते हैं? नो कर्म। हमारी बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ लो, इस कुर्सी से मेरे को राग हुआ। क्या हुआ? इस कुर्सी से राग हुआ, बहुत बढ़िया कुर्सी है, तो कुर्सी मेरे लिए क्या हो जाएगी? नौकर। क्या कुर्सी हुई नौकर्म, और जो कुर्सी में राग किया वो कौन सा कर्म हुआ? भाव कर्म। तो कुर्सी में राग हुआ वो पहले कोई कर्म बांधा था उसके उदय होने पर हुआ है कि बिना पूर्व के कर्म के उदय पे हुआ है? पहले का कोई कर्म का उदय कारण है, मैंने पहले अपन ने कोई मोहनी कर्म बांधा था, इस मोहनी का उदय आया और उदय के होने पर हमने इसमें राग भाव किया, तो पूर्व का कोई कर्म का उदय निमित्त है कि नहीं है? पहले हमने कर्म बांधा था, उस कर्म का वर्तमान में उदय आया, और उदय आने पर हमने पुनः क्या किया? राग किया। तो पहले का जो कर्म, जिस कर्म का उदय आया है उसका नाम है द्रव्य कर्म। जो वर्तमान में राग किया है वो भाव कर्म, जिसके लक्ष्य से राग किया है वो नो कर्म। तीन चीजें हो गई, तीन चीजें हुई कि नहीं हुई? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। भाव कर्म तो बहुत सरल है, मोह राग द्वेष के भाव है वो भाव कर्म। नो कर्म जिसके लक्ष्य से मोह राग द्वेष के भाव किए वो नो कर्म। और द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि जो आठ कर्म हैं जो हमने बांध रखे हैं उसका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। आने की बात समझ में। अब आपने जो कहा कि नो कर्म, नो कर्म उद्गल ही होता है, कदाचित जीव भी हो सकता है,
कैसे जी हो सकता है? किसी व्यक्ति से राग करे, परिवार वालों से राग करे, परिवार वाले अपने लिए क्या? अपने लिए पुद्गल है कथनचित, एकदम सर्वथा पुद्गल नहीं। किसी की आत्मा से भी प्रेम हो सकता है, वो सही है, लेकिन फिर भी वो अध्यात्म की विवक्षा है, मतलब आगम की विवक्षा के हिसाब से उसको अपन चेतन ही कहेंगे ना भाई। चेतन में राग करे, अचेतन में राग करे, वो है वास्तव में जीव के अलावा अन्य सब अजीव ही है, मेरे लिए मेरा चेतन नहीं है इसलिए अचेतन है, लेकिन फिर भी लौकिक में उसको तो चेतन ही कहा जाता है ना, उस दृष्टि से कह रहा हूँ कि वो चेतन और अचेतन, किसी व्यक्ति से भी राग हो सकता है और अचेतन वस्तुओं से भी राग हो सकता है और देह से भी राग हो सकता है। तो देह और देह से संबंध रखने वाली जितनी संबंध जितनी वस्तुएं हैं उन सबको हम क्या कहेंगे? नौकर। तो शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली सारी वस्तुएं जिनमें जिनके लक्ष्य से हम रागादि भाव करते हैं, मोराग द्वेष करते हैं, जिनको अपना मानते हैं, जिसमें राग करते हैं, जिससे द्वेष करते हैं, वो सब क्या कहलाएगी? नौकर। क्योंकि मोराग द्वेष भाव ऐसे हवा में तो होंगे नहीं कि मैं पर वस्तु को अपना मानता हूँ, किसको मानता हूँ ये मेरे को नहीं पता मैं किसको मानता हूँ, लेकिन मानता जरूर। मेरा गुस्सा आ रहा किस पे, ये नहीं मानू किस पे, लेकिन आ रहा बहुत भयंकर। मेरे को बहुत राग हो रहा है किससे, ये नहीं मालूम किससे। तो लोग कहेंगे हो गया ये तो फिर इसका तो, इसको यही नहीं मालूम कि किससे हो रहा है इसको मोह राग द्वेष। ऐसा होता है संसार में, यदि मोह होगा तो किसी परवस्तु के निमित्त से होगा ना, द्वेष होगा क्रोध होगा तो किसी के लक्ष्य से होगा कि बिना उसके ही। हवा में तो कोई क्रोध होता नहीं, हवा में कोई लोभ नहीं होता कि बस मेरे को लालच आ गया, काय का लालच आ गया, तो आ गया काय का, पैसे का नहीं और काय का किसी चीज का नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम चल रहा है किसका लालच है मेरे के अंदर, लालच तो बहुत बड़ा। तो दुनिया ऐसा संभव ही नहीं, क्रोध मान माया लोग होंगे किसी पर वस्तु के लक्ष्य से होंगे, मोह भाव होगा पर वस्तु को अपना मानेगा तो कोई पर वस्तु होगी उसको अपना मानेगा कि बिना उसके अपना मान लेगा, कोई ये मानता है अभी यहां बैठा बैठा कि विदेह क्षेत्र के अंदर जितने भी मकान हैं, मैंने विदेह या समझ विदेह क्षेत्र चीज है, सोधर्म इंद्र के अंदर वो जो वहां पे सोधर्म इंद्र के अंदर महान स्तंभ के अंदर पिटारा रहता है उसमें रत्न देखे रहते हैं, वो सारे रत्न अपने हैं, ऐसा किसी को सपना आता है कभी अपने घर के रत्नों का तो आ सकता है। अरे मैं कहता हूँ यही की दुनिया की किसी को ये विचार आया क्या कभी कि मनमोहन सिंह ए है, समझ लो किसी भी नेता के सारा जितना भी पैसा है वो सब मेरा, नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता वो सब? कि हम वहाँ हमारा नहीं जाता, हम जो परवस्तु होगी जो परवस्तु होगी जो हमारे ज्ञान का विषय बनेगी उसी में हम अपनापन करेंगे, ऐसी किसी भी हलती फिरती चलती में अपनापन नहीं करेंगे। तो जिनमें शरीर और शरीर के लक्ष्य रखने वाली जो परवस्तु है जो अपने को पुण्य पाप के उदय से मिली है नौ कर्म की संज्ञा उसी में लागू पड़ेगी, समझ मारी की बात? माने जिस वस्तु को हमने जाना ही नहीं है उसे हम नौ कर्म नहीं कहेंगे, जिस वस्तु में हम अपनापन करते हैं नौ कर्म हमारे लिए वही कहलाएगा। और नौ कर्म सबके लिए अलग अलग है, मेरे लिए नौ कर्म मेरा शरीर अथवा मेरे जो संयोग में वो, और आपके लिए नौ कर्म जिसमें आप अपनापन करते हो आपका शरीर आपके लिए नौ कर्म, ठीक है। और भाव कर्म मोह राग द्वेष भाव, द्रव्य कर्म आठ ज्ञान वर्ण दिया, तो द्रव्य कर्म तो आठ आठ है, जो अपन चार कह रहे थे ना वो द्रव्य कर्म के आठ में से चार, तो जो घातिया कर्म चार है वो द्रव्य कर्म का एक पार्ट है और उसके अलावा बहुत कुछ है। इसलिए मूल कर्म यदि पूछा जाए तो मूल में तो कर्म तीन है, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म। फिर द्रव्य कर्म के दो भेद घातिया और अघातिया, घातिया के चार भेद अघातिया के चार भेद, कितने हो गए? द्रव्य कर्म के कितने भेद हो गए? आठ। भाव कर्म के भेद करो कितने हो गए? मोह राग द्वेष कितने हो गए? तीन। और इनके तीन के और करो तो और भी हो सकते हैं, मोह के मिथ्यात्व मोह का एक ही होएगा मोह, राग के
राग के कितने भेद कर सकते हैं? राग के भेद करके बताइए। शुभ अशुभ और कषाय उसे लगाओ राग को, बताओ। बताओ बड़े लोगों में बताओ पीछे से। कषायों में लगाना है। हाँ लग गया। चलो इधर बताओ। लोभ और माया दो और दो ही। चलो बताओ पीछे किसको याद है। चार ही कषाय नहीं और भी नौ कषाय भी लगा दो। बताओ राग रूप कषाय कौन कौन सी है, कौन कौन सी कषाय राग रूप है। लो सब मिलके नहीं बताना एक जने को बोलने का। चलो आप हाँ बताओ और भी बताओ नहीं मालूम है। हास्य रति जुगुप्सा द्वेष राग नहीं। बताओ चल दीपक। हास्य रति तीन वेद इतनी पांच ही हुई हो ही सब। राग रूप पता नहीं कितनी कषाय है, पांच ही की और भी है। फिर बीच में नहीं बोलना बनना तो कम ना। लेकिन लोग माया उसी में मोटे मोटे रूप में पांच और दो सात। द्वेष कौन कौन सी है बता, कौन कौन सी कषाय द्वेष रूप है। क्या आपने बताओ कौन कौन सी कषाय द्वेष बताओ। उनकी धात खड़क जोर से बोलना। कौन कौन सी कषाय द्वेष रूप है और एक बज गई। कौन सी बज गई एक बताओ। इधर शो अरति शो भय जुगुप्सा चार और क्रोध और मान छह कषाय द्वेष है और सात कषाय राग है। कौन कौन सी सात। तीन वेद हास्यरति पांच और माया और लोभ। ये सब पढ़ के आ चुके हैं अपन इसलिए पहले का रिवीजन करवा रहे। नहीं तो पढ़ने में तो क्या है मैं बोल दूंगा द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित सिद्ध भगवान है और वह निकल परमात्मा है सबने याद कर लिया परीक्षा में लिख दिया। तो पूछो उनसे क्यों नौ कर्म किसे कहते हैं है कोई ना कोई सा कर्म है आपने तो पढ़ाया कुछ ना कुछ तो हो ही। नौ कर्म का मतलब है कि शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले समस्त पदार्थ जिनके लक्ष्य से मूल राग द्वेष भाव करते हैं ये सब क्या कहलाते हैं नौ कर्म। और ज्ञानावरण आदि आठ कर्म वो कहलाते हैं द्रव्य कर्म और मूल राग द्वेष के भाव वो क्या कहलाते हैं भाव। आई समझ में किसको आई समझ में किसी को नहीं किस किस को आई बताओ हाथ खड़ा कर बताओ। तीनों प्रकार के कर्म की परिभाषा बताओ कौन बताएगा। तीन प्रकार के कर्मों की परिभाषा जो अभी हाल बताई गई है किसने नहीं बताई अभी तक। आपने बता दी ना जितेंद्र जी किसने नहीं बताई कौन है ऐसा। हाँ बताओ चल। हाँ नहीं आराम से बोलो अच्छे से कोई डरने की बात नहीं देख के बोल दो चलो। हाँ मोराग द्वेष के भाव भाव करने और किसके लक्ष्य किए जाते हैं कौन सी परवस्तु सबसे निकट की परवस्तु क्या है उसमें शरीर। शरीर और उससे संबंध रखने वाली अन्य वस्तुएं जिनके लक्ष्य मोराग द्वेष भाव किए जाते हैं वो सब क्या है नौ कर्म। और द्रव्य कर्म क्या है एक बज गया ना द्रव्य कर्म वो भी तो लिखा होगा ना। हाँ वो तो बताओ नहीं 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 अभी द्रव्य कर्म बच गया। द्रव्य कर्म क्या है बताओ दीपक जी।
हाँ कि, कितने द्रव्य कर्म? आठ द्रव्य, आठ प्रकार के कर्म जो है वो द्रव्य कर्म। कौन कौन से आठ प्रकार के द्रव्य कर्म? ये नाम आठ के किसको याद है बताओ? कौन है ऐसा जिसने अभी तक नहीं बताया? आठ प्रकार के कर्मों के नाम बताओ, ऋषभ बताओ। चलो आयु, आपके साथ कितने अभी? आठ ही है कि सात है? आठ ही, आठ ही, आठ ही। सबके साथ आठ ही है, कोई भी ऐसा नहीं है बैठा हुआ जिसके साथ सात हो। सब आठ कर्म से सही होते हैं। तो ये ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के समूह का नाम द्रव्य कर्म, और ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय मैंने मोहनी के उदय में, मोहनी के उदय में जो मूढ़ाग्वेश भाव करते हैं उसका नाम क्या है? भाव कर्म। तो मूढ़ाग्वेश भाव हवा में तो करेंगे नहीं, जिसके भी लक्ष्य से करेंगे वो क्या कहलाएगा? नौकर। और मेन तो अपन क्या इसके लक्ष्य करते हैं? शरीर के लक्ष्य। तो शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले आदमी जो भी पर वस्तु है जिनके जिनका लक्ष्य करके हम मोर आग्रेश भाव करते हैं वो सब क्या कहलाती है? नौकर। जैसे कोई मंदिर के लक्ष्य करते हैं, ये मंदिर तो मेरा है, ये मंदिर अच्छा है, ये अपना, ये उनका है, ये अपना। तो मंदिर क्या हुआ उसके लिए? नौकर। हिंदुस्तान मेरा है, पाकिस्तान पराया। हिंदुस्तान क्या हुआ अपने लिए? नौकर। भरत क्षेत्र मेरा है, मध्य प्रदेश मेरा है, इंदौर मेरा है, मलारविंद मेरा है, सब नौकर में। मकान मेरा है, परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, शरीर मेरा है, सब नौकर में। जहाँ ये कहे कि मोह राग द्वेष भाव मेरे हैं वो कायम में चला जाएगा, वो आत्मा की सीमा में आ गया ना, तो ये कायम में जाएगा भाव कर। जहाँ आत्मा की सीमा के बाहर रहा नौकर। और जो कर्म हैं जिनके उदय से मोह राग द्वेष भाव होते हैं, मोहनी कर्म का उदय, उसको क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म। आ रही की नहीं बात समझ में कुछ? ये तीन प्रकार का कर्म। अब अनंत भगवान के कितने कर्म होते हैं बताओ? इन तीन में से, इन तीन में से, तीन में से चार कैसे हो जाएंगे? तीन तो है ही कुल अनंत भगवान के तीन। अब तीन में से कितने अनंत भगवान के होते हैं बताओ? हाथ खड़ा करके बताना, कोई बोलेगा कोई नहीं, उससे पूछूंगा थोड़ा और डिटेल में करके, तैयार है ना? उसमें क्या है? अनंत भगवान के तीन में से कितने कर्म? कितने नहीं है और कितने हैं? अनंत भगवान के कितने हैं और कितने नहीं है? हाँ बताओ, चलो आप बता, आप बता रहे हैं। हाँ तो कौन बताएगा ये बताओ? और भी बताओ चलो। हाँ हाँ चलो, बहुत बढ़िया, ये सही है, भाव कर्म नहीं है, ये तो 100% सही आंसर। और है कितने हैं द्रव्य कर्म? चार है। और कितने नहीं है? चार नहीं, चार। और नौ कर्म है उनके, शरीर है ना इस अपेक्षा से, यद्यपि वो नौकरण जैसा काम नहीं करता है, लेकिन शरीर का संयोग होने पर क्या, पहले शरीर के संयोग से राग द्वेष होते थे, पहले शरीर के लक्षण रागादि भाव उत्पन्न होते थे, तो वो पहले होते थे, इस अपेक्षा से अपन क्या कहेंगे? शरीर को भी नौकर्म कहेंगे, और शरीर है उनके साथ तो नौकर्म है। अपनापन नहीं तो भी क्या हुआ? शरीर को नौकर्म कहा ना अपन ने भाई, जिसके भी लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता है, पहले होता था, आज भी शरीर है, नौकर में, तो उनके कितने परसेंट कर्म है? तीन में से एक नहीं है, दो है। तो देखो, एक तो भाव कर्म तो बिल्कुल नहीं है, नौकर्म बिल्कुल है, द्रव्य कर्म आधा है आधा नहीं, 50% अभाव है किनके? अनंत भगवान के 50% है। लेकिन जो 50% उनके गया है वो 50% 100% के बराबर था, क्योंकि जो असली कर्म थे
वो भाव कर्म है, अथवा चार घातिया कर्म वो असली है। चार घातिया कर्म घातिया के सामने कुछ नहीं है, नौ कर्म भाव कर्म के सामने कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब जब रागादि भाव ही चले गए तो अब शरीर है भी लेकिन उसके लक्षण रागादि भाव होते नहीं, तो वो वास्तव में नौ कर्म केवल उपचार से कहा जाता है, वो नौ कर्म का काम नहीं करता। और चार अघातिया कर्म है वो आत्मा के गुणों का घात करते ही नहीं है, उनका नाम ही अघाती कर्म इसलिए, वो तो आयु कर्म है तो शरीर में टिके हुए हैं। साता वेदनी का उदय तो समोषण आदि विभूति है, साथ में गोत्र का उदय उच्च गोत्र है, नाम कर्म के उदय से शरीर बना हुआ है, तो इससे उनके कुछ आत्मा के गुणों का घात नहीं होता, इसलिए उनके वास्तव में कर्म जो है भी वो उनके गुणों का घात नहीं करते। इस अपेक्षा से अपन कहते हैं कि वो भी क्या हो गए, वास्तव में कर्म से रहित जैसे ही हो गए, हुए नहीं पूरे कर्म से रहित, लेकिन जो है कर्म वो कुछ उनके आत्मा के गुणों का घात करने में ऐसे समर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा के गुणों का घात करने में तो घातिया कर्म ही समर्थ है। इसलिए उनको ये भी कहें कि वो मानव सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध जैसे ही हो गए हैं तो कोई दोष नहीं। इसलिए सकल और निर्कल परमात्मा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, एक शरीर सहित है एक शरीर रहित है, इतना ही अंतर। एक के अभी आयु कर्म का उदय होने से जब तक आयु का उदय है तब तक वो शरीर में विद्यमान है, जब आयु कर्म का अभाव हो जाएगा शरीर छोड़कर लोक के अग्रभाग में शुद्धात्मा रूप से विराजमान है ना। इसलिए अंतर आत्मिक गुणों की अपेक्षा देखा जाए तो अनंत और सिद्ध में भी कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि अनंत चतुष्टय अनंत में भी है, अनंत चतुष्टय सिद्धों में भी, जो सिद्धों में थोड़े गुण विशेष है अधिक है, लेकिन जो जो अधिक है चार और गुण उनमें, यानी चार घातिया कर्म चार आघातिया कर्मों के अभाव से जो चार गुण उनमें और प्रकट होते हैं, वो चार अनंत चतुष्टय के सामने बहुत बड़ी चीज नहीं है। समझ आने की बात, मैंने अनंत चतुष्टय है ना वही वास्तव में सर्वोत्तम है, इसलिए अनंत में और सिद्ध भगवान में बहुत मामूली अंतर है, कहने मात्र का अंतर है। वास्तव में तो अनंत और सिद्ध भगवान दोनों ही अनंत सुखी और बराबर है, दोनों के सुख में कोई अंतर नहीं। तो ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, माने ज्ञान शरीर है उनका और तीन कर्म मलों से रहित है, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। क्या है वे सिद्ध महंता, सिद्ध है महान है, महान आत्मा है, महंत कहते हैं ना महंत, वैसे आजकल महंत नाम बहुत बदनाम हो चुका है, महंत है ये, महंत मतलब यहाँ कह रहे महंता माने वो वास्तव में बहुत महान है, सबसे महान है वो, इसलिए उनको कहा है सिद्ध महंता। ते हैं निकल अमल परमात्म, वे क्या है निकल परमात्मा है, और कैसे अमल, उनमें किसी प्रकार का मल अब बचा नहीं है। अनंत भगवान में तो चार घातिया कर्म बचे हैं, लेकिन सिद्ध भगवान में तो चार घातिया कर्म भी नहीं है, और न ही उनमें नौ कर्म शरीर है, इसलिए न उनमें द्रव्य कर्म है, न भाव कर्म है, न नौ कर्म है, शरीर भी नहीं है। इस अपेक्षा से कहा कि वे वास्तव में कैसे हैं, अमल है। ते हैं निकल अमल परमात्म, माने अमल माने उनमें किसी प्रकार का कोई मल अवशेष नहीं रहा, शरीर का भी मल नहीं रहा, मोह राग द्वेष भाव तो पहले ही चले गए थे, और अब घातिया कर्म जो चार आघाती बचे थे वो भी चले गए, कोई मलिनता नहीं रही, बिल्कुल निर्मल परमात्मा, इसलिए उनके लिए शब्द दिया अमल। क्या नाम दिया, अमल। ते हैं निकल अमल परमात्म, निकल भी हैं और अमल भी है। ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता, माने उनको बहुत अनंत शर्म आती है वहां बैठे बैठे, इसमें लिखा ना भोगे शर्म अनंता।